नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज है आखिरी दिन। अब इस नए नियम से महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की होगी नियुक्ति। पटना के होटल और रेस्टोरेंट आग से बचाव के लिए नहीं करेंगे उपाय तो होगी सख्त कार्रवाई। बिहार की बेटी का नेशनल क्रिकेट अकेडमी में हुआ चयन। पंजाब किंग्स और सीएसके के बीच मुकाबले से पहले धोनी का ये वीडियो हो रहा वायरल। अब चले बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज है आखिरी दिन। बिहार में तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। बिहार में तीसरे चरण के चुनाव में 5 लोकसभा सीटों पर 7 मई को चुनाव होने वाले हैं। जिन 5 सीटों पर चुनाव होंगे उनमें झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया शामिल है। बता दें कि तीसरे चरण में 5 सीटों पर चुनाव के लिए 54 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें 51 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। इन 54 प्रत्याशियों में झंझारपुर से 10 उम्मीदवार, सुपौल से 15, अररिया से 9, मधेपुरा से 8 और खगड़िया से 12 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए हैं। तीसरे चरण के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग द्वारा तैयारी पूरी की जा चुकी है। अब इस नए नियम से महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों की होगी नियुक्ति। राज्य के अंगीभूत महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद पर अब 15 सालों तक शिक्षण शोध का अनुभव रखने वाले प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर का चयन प्रधानाचार्य के पद पर होगा। अखिल भारतीय स्तर पर प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिए विज्ञापन दिए जाएंगे। बता दें कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अनुशंसा पर ही प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की जाएगी। PhD को प्रधानाचार्य के पद के लिए अनिवार्य रखा गया है। राज्यपाल और कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने इससे संबंधित नए नियम परिनियम पर अपनी मंजूरी दे दी है। तत्काल प्रभाव से प्रधानाचार्य की नियुक्ति को लेकर बदले कानून को भी लागू किया जा चुका है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की गाइडलाइन का अनुपालन करना भी प्रधानाचार्य के पदों की नियुक्ति में अनिवार्य कर दिया गया है। देश के सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार के इन दो शहरों का नाम आया सामने। बिहार में भीषण गर्मी के साथ ही यहाँ की हवा भी जहरीली पाई गई है। मिली जानकारी के मुताबिक देश भर में सबसे प्रदूषित टॉप 3 शहरों में बिहार के शहर का नाम भी शामिल है। देश के टॉप 3 सबसे प्रदूषित शहरों में बिहार की राजधानी पटना और हाजीपुर का नाम इस बार सामने आया है। बता दें कि 254 शहरों के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा जारी किया गया है, जिसमें गुरुग्राम पहले स्थान पर है, हाजीपुर दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर पटना का नाम सामने आया है। बता दें कि गुरुग्राम का AQI 341, पटना का 312 और हाजीपुर का सूचकांक 314 है। शिक्षा विभाग ने 13 विश्वविद्यालयों के बैंक खाते के संचालन पर लगी रोक को हटाया। बिहार में 13 विश्वविद्यालयों के बैंक के खाते के संचालन पर शिक्षा विभाग ने 1.5 महीने से रोक लगाई हुई थी, लेकिन अब पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने इस रोक को हटा दिया है। बैंक खातों के संचालन पर रोक हटाने के साथ ही यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों के बंद वेतन को फिर से चालू करने की बात कही गई है। बता दें कि 3 महीने से विश्वविद्यालय कर्मियों के वेतन बंद थे। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को शिक्षा सचिव वैद्यनाथ यादव ने पत्र लिखे हैं। पत्र के जरिए शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा बैंक प्रबंधनों को भी इसकी जानकारी दी गई है। साथ ही बताया गया है कि शिक्षा विभाग ने पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद ये फैसला लिया है। शिक्षा विभाग के इस फैसले से करीब 15,000 शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन का रास्ता साफ हुआ है। आज पैरोल पर जेल से बाहर आए बाहुबली नेता अनंत सिंह। आज सुबह 5 बजे के करीब में बिहार के बाहुबली कहे जाने वाले नेता और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह जेल से बाहर आए हैं। आपको बता दें कि 15 दिनों के पैरोल पर बिहार के गृह विभाग ने अनंत सिंह को रिहा करने का निर्देश दिया था। अनंत सिंह को ये पैरोल जमीन संबंधी मामलों से जुड़े कार्य करने के लिए दिए गए थे। इसकी अनुशंसा गृह प्रशासन ने राज्य सरकार से की थी। अनंत सिंह को पैरोल मिल जाने की खबर सुनते ही उनके समर्थकों के बीच काफी खुशी देखने को मिल रही थी। आज मोकामा समेत आसपास के जगहों पर अनंत सिंह के स्वागत के लिए कई तैयारियां की गई थी। बता दें कि पैरोल पर जेल से बाहर आते ही अनंत सिंह सबसे पहले अपने पैतृक आवास पहुंचे थे। पटना के होटल और रेस्टोरेंट आग से बचाव के लिए नहीं करेंगे उपाय तो होगी सख्त कार्रवाई। पटना में सभी होटल और रेस्टोरेंट को आग से बचाव और सुरक्षा के लिए इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। आग से बचाव संबंधी मामलों पर चर्चा करने के लिए होटल और रेस्टोरेंट मालिकों की बैठक सोमवार को अग्निशमन विभाग के अधिकारी के साथ देखने को मिल सकती है। इस दौरान आग से बचाव और सुरक्षा संबंधी कई जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। यदि इन आदेशों का पालन होटल और रेस्टोरेंट मालिक नहीं करते हैं तो उनके प्रतिष्ठान सील तक कर दिए जा सकते हैं। बता दें कि पटना जंक्शन के निकट पाल और अमृत होटल में भीषण आग लगने के बाद अग्निशमन विभाग अलर्ट हो चुका है, जिसके बाद होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को सख्त से सख्त दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। बिहार के ये प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट जिनसे लालू यादव भी हो गए थे नाराज,
आज सभी वर्ल्ड कार्टूनिस्ट डे मना रहे हैं। अब आज के इस खास मौके पर हम आपको बिहार के सबसे प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट पवन टून्स के बारे में बताएंगे। इन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान कई बातें बताई हैं। इन्होंने यहाँ तक भी बताया कि इनके कार्टून का असर यहाँ तक होता था कि तत्कालीन सरकार भी इनसे नाराज हो जाती थी। जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने लालू यादव के खिलाफ भी कार्टून बनाने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद नाराज लालू यादव ने उनसे इस विषय पर बात की तो उन्होंने लालू यादव को बताया था कि आलोचना अपने पास रखिएगा तो आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। उसके बाद लालू यादव ने कभी भी इन्हें कार्टून बनाने से नहीं रोका। इन्होंने काफी छोटी उम्र से कार्टून बनाने शुरू कर दिए थे, जिस वजह से इन्हें घर पर कई बार पिटाई भी लगी, लेकिन अब आगे चलकर इन्होंने अपनी इस कला से ख्याति पाई। बिहार की बेटी का नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हुआ चयन। बिहार की बेटी वैदेही का चयन नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हुआ है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी बेंगलोर से बेहतर प्रशिक्षण लेकर वैदेही आगे भारतीय महिला टीम के लिए भी खेलेंगी। बता दें कि वैदेही बिहार में सिवान जिले के लौकीपुर की रहने वाली राकेश यादव की बेटी हैं। सिवान की पहली महिला क्रिकेटर रही वैदेही का चयन नेशनल क्रिकेट एकेडमी में होने के बाद न केवल सिवान बल्कि पूरे बिहार का सर्व गर्व से ऊंचा हुआ है। वैदेही का चयन साल 2023 दिसंबर के महीने में बिहार महिला अंडर 23 T20 में हुआ था। ये दाएं हाथ की बल्लेबाज हैं। इनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए एनटीए में इनका सिलेक्शन हुआ है। वाहन जांच के दौरान 12 लाख जाली नोट के साथ दो तस्कर गिरफ्तार। वाहन जांच के दौरान कोटवा थाने की पुलिस ने मोतिहारी राजपुर मठिया के पास से बाइक सवार दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के साथ इन दो तस्करों के पास से 12.90 लाख के जाली नोट बरामद हुए हैं। इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्र ने बताया है कि गिरफ्तार धंधेबाज में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के मैनपुर थाने के बेलियाहवा कसिया निवासी मुकेश राजभर और संत कबीर नगर जिले के दुर्गजोल बखीरा निवासी जमील अख्तर हैं। आगे पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों बाइक से जाली नोट लेकर कोटवा में डिलीवरी देने जा रहे थे। नोट की छपाई कहाँ की गई है इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। हालांकि मामले में आगे की कार्रवाई और छानबीन जारी है। पवन सिंह से मिलने पर जदयू के तीन नेताओं पर हुई सख्त कार्रवाई। बिहार में लोकसभा चुनाव के बीच काराकाट लोकसभा सीट काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। यहां से एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को टिकट दिया है तो वहीं इनके विरोध में भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी चुनावी मैदान में उतर आए हैं। पवन सिंह के चुनावी मैदान में उतरते ही कई भाजपा और जदयू के नेता भी पहुंचे, जिसके बाद जदयू के तीन नेताओं का पवन सिंह से मिलना भारी पड़ गया। इस मामले में जदयू के जिला अध्यक्ष अजय कुशवाहा ने जदयू पार्टी को पत्र लिखकर इन सभी को निलंबित करने की मांग की। अजय कुशवाहा ने बताया कि ये सभी जदयू नेता निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह को सम्मानित करते हुए भी दिखाई दिए थे, जिसके बाद तीनों नेताओं को पार्टी के विरुद्ध जाने पर निष्कासित कर दिया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में भाजपा और राजद हुई आमने सामने। इलेक्टोरल बॉन्ड पर भाजपा और राजद आमने सामने आ चुकी है। दरअसल बीजेपी से प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार में अवैध बिक्री होने वाले शराब से राजद का सीधा कनेक्शन है। सबूत के तौर पर उन्होंने चुनावी चंदा देने वाली कंपनियों की लिस्ट भी दिखाई है। नीरज कुमार ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजद ने 74 करोड़ का चंदा लिया है। इसमें 63% पैसा सिर्फ शराब बनाने और बेचने वाली कंपनियों से मिला है, तभी बिहार में इतनी अधिक शराब की अवैध बिक्री हो रही है। उन्होंने बताया कि इसमें सबसे ज्यादा कंपनियां पश्चिम बंगाल की हैं। बीजेपी के आरोप के बाद राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि भाजपा वालों को तो शराब के नाम से ही नशा चढ़ जाता है। बिहार में जनता पूरी तरह से नकार रही है, खदे रही है, तब ये सब लेकर आ रहे हैं। इनसे कुछ फायदा नहीं होगा। पहले अपना हिसाब दे कि हजारों हजार करोड़ का चंदा किससे मिला है। पीएम मोदी पर लालू यादव का तीखा कटाक्ष। राजद के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ये चुनाव मरने का नहीं बल्कि जिंदा रहने की लड़ाई का चुनाव है। पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि देश की 140 करोड़ जनता गंभीरता से ये सोच रही है कि अगर मोदी सरकार आया तो फिर संविधान खत्म कर देगा, मोदी सरकार आया तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, मोदी सरकार आया तो आरक्षण समाप्त देगा। लालू यादव ने अपने इस ट्वीट के दौरान और भी कई मुद्दे उठाए हैं और कहा कि मोदी सरकार आया तो 10 वर्षों में बर्बाद संवैधानिक संस्थाओं की बची खची स्वायत्तता भी खत्म हो जाएगी। ललन सिंह के पक्ष में वोट अपील के दौरान सीएम नीतीश ने विपक्षियों पर बोला हमला। जदयू के प्रत्याशी ललन सिंह के समर्थन में बिहार के सीएम नीतीश कुमार मुंगेर संसदीय सीट के सूर्यगढ़ा पहुंचे थे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और ललन सिंह के पक्ष में वोट देने की अपील की। नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार बिहार की सभी सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे।
आगे उन्होंने कहा कि 2005 के पहले कांग्रेस वाले शासन में थे, हम उन्हीं लोगों को बना दिए थे, लेकिन वो लोग गड़बड़ करने लगे थे तो छोड़ दिए। भाजपा का नाम बाद में पड़ा, लेकिन हम पहले से ही इन लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बिहार में 2005 में ही मिलकर सरकार में आए, बीच में एक दो बार उन लोगों को मौका भी दिया, लेकिन गड़बड़ का पता चला तो छोड़ दिए। अब भाजपा का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। पीएम मोदी द्वारा तेजस्वी को सहजादा कहने के बाद तेजस्वी यादव का पलटवार आया सामने। लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के बीच तेजस्वी यादव लगातार पीएम मोदी के सामने कई सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल दरभंगा में अपने चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान पीएम मोदी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को सहजादा करार दिया था। अब इस पर तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के सामने सवालों की झड़ी लगा दी है। उन्होंने पूछा है कि पीएम मोदी अपने 10 वर्षों का हिसाब क्यों नहीं दे रहे हैं। 2019 में बिहार ने आपको 40 में से 39 सांसद दिए थे, लेकिन आपने बिहार को क्या दिया? 26 सांसद देने वाले गुजरात को विगत 5 वर्षों में मोदी जी ने देश के लाखों करोड़ रुपए दिए, लेकिन बिहार को फूटी कौड़ी भी नहीं दी। बता दें कि इससे पहले भी तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी के सामने बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के मुद्दे पर कई सवाल खड़े कर चुके हैं। पंजाब किंग्स और सीएसके के बीच मुकाबले से पहले धोनी का वीडियो हो रहा वायरल। अपने अगले मुकाबले के लिए चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स धर्मशाला आ चुकी है। धर्मशाला में आईपीएल का ये मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच देखने को मिलेगा। बता दें कि इससे पहले दोनों ही टीम के बीच आईपीएल का मुकाबला चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में देखने को मिला है, जहां सीएसके को पंजाब किंग्स ने 7 विकेट से मार दी थी। धर्मशाला एक चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया गया। यहां सभी एमएस धोनी की एक झलक को पाने के लिए बेताब थे। इसी बीच धोनी का एक वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें धोनी अपने नए हेयर स्टाइल के साथ नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में धोनी ने ब्लैक गॉगल्स लगा रखा है और हाफ अप हेयर स्टाइल के साथ नजर आ रहे हैं। लोग धोनी के इस हेयर स्टाइल की काफी चर्चा भी कर रहे हैं। आपको धोनी का ये नया लुक कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है ज्ञानी सौ, राजकिशोर महतो, नंद कुमार सिंह, सादुल्ला पालवी, नौसाद रजा, आयुष राज, उमा शंकर पासवान, सुभाष प्रसाद, संजीव कुमार, मोतीलाल कुमार, महमूद आलम, राजीव कुमार, राकेश मिश्रा, रंजीत मिश्रा, अनवर करीम खान, मोहम्मद साकिर हुसैन, जितेंद्र ठाकुर। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आज पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच किसका मुकाबला सबसे दमदार हो सकता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।